हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटासी डिसीजन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग केएफसी बिग बैश लीग T20 की बात करेंगे, जो कि मैच होगा यहाँ पर मेलबोर्न रेनेगेड वर्सेस सिडनी सिक्सर्स के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे स्मॉल लीग में लेके जाएंगे, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ग्रैंड लीग में पिक करेंगे, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा, उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते हैं एक बार, लास्ट में हमारी फैंटासी टीम देख लेते हैं कि कौन सा प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन सा प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं, सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इस मैच की, इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि पूरी टूर्नामेंट को कवर किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर त्रिपुरा वुमेंस T20 के वीडियोज मिल जाएंगे, साथ ही में मिल जाएंगे आपको यहाँ पर आइस T10 के वीडियोस। तो सारे अच्छे मैचेस के वीडियो आपको यहीं पर मिलने वाले हैं, तो यूट्यूब चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही में टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाली है। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिला हुआ है, इनकेस अगर लिंक वर्क ना करें तो आप लोग टेलीग्राम में जाके सर्च भी कर सकते हो और टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। बात करें इस मैच की, तो ये मैच दोपहर में 1 बजे यहाँ पर कार्डिनिया पार्क गिलोंग विक्टोरिया में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट की बात करूँ तो देखो, इस पिच के ऊपर ना ज़्यादा रन्स बनते नहीं है, 130-135 रन भी अगर बन जाते तो काफ़ी अच्छा स्कोर मैं मानूंगा यहाँ पर। हालांकि देखो, दोनों ही टीम के पास कुछ धरखम प्लेयर है, मार्टिन गुप्टिल है, शॉन मार्स है, इस साइड पे भी आरोन फिंच है और तो जोस फिलिपा है, तो ये सारे प्लेयर्स अगर खेल जाते हैं तो भाई आपको मालूम है कि बड़ा स्कोर कभी भी कर सकते हैं, लेकिन एवरेज अगर मानने के लिए जाए तो 135-140 के आसपास स्कोर रहेगा। स्पिनर्स के लिए अच्छी है पिच, तो यहाँ पर थोड़ा सा फोकस इनके ऊपर भी रहेगा। वैसे इन दोनों ही टीम की बात करूँ तो अभी 2 दिन पहले इनकी मैच खेली गई, और उस मैच की बात करो तो पूरा वन साइडेड मैच गया था हमारा, पूरा वन साइडेड मैच। तो एक बार वही आशा रहेगी और उसी रिजल्ट को हम लोग यहाँ पर दोहराना चाहेंगे। चेजिंग में इक्वली आंकड़े हैं यहाँ पर, 14 में से 7 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीती, 7 बार ऐसे चेजिंग करते हुए टीम ने जीती। बाकी विकेट्स की बात करो तो 14 मैच के अंदर 108 विकेट्स पेसर्स ने निकाली है, 58 विकेट यहाँ पर 14 मैच के अंदर 58 विकेट स्पिनर्स ने भी निकाली हुई है। तो बॉलर्स के ऊपर थोड़ा सा फोकस हमारा ज़्यादा ही रहेगा आज, क्योंकि विकेट्स वगैरह अच्छी खासी गिनती है। वेन्यू की बात करूँ तो यहाँ पर मेलबोर्न ने 7 मैच खेली है, जहाँ पर 2 मैच वो जीती है, 5 मैच वो हारी है। बात करें सिक्सर्स की, तो सिक्सर 1 मैच जीती है और 1 मैच हारी है। 8-8 की रिकॉर्ड्स की भी बात करूँ तो ऐसे सिक्सर ने बाजी मारी, और लास्ट मैच की बात करूँ तो लास्ट मैच भी ऐसे सिक्सर ही जीतती हुई आ रही है। लेकिन मेलबोर्न रेनेगेड कभी भी ऐसे कमबैक कर सकती है भाई, उनके पास भी कुछ धरखम प्लेयर है और ये बंदे ऐसे कभी भी गेम को पलटने का हुनर रखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं या से मेलबोर्न रेनेगेड की। तो लास्ट मैच के अंदर द्वासिस की आंधी आई थी, जहाँ पर बड़े बड़े प्लेयर्स उड़ गए थे, तो मार्टिन गुप्टिल भी वहाँ पर 0 पे आउट हो गए थे, लेकिन आज इनसे एक बड़े परफॉर्मेंस की उम्मीद रहेगी। वैसे ओवरऑल 5 मैच ये मेलबोर्न जीती है, जहाँ पर 5 मैच के लिए 3 मैच जीती है, 2 मैच हारी है। मार्टिन गुप्टिल और निक मेडिनसन दोनों ओपनिंग करवाएंगे। अभी देखो, मार्टिन गुप्टिल 0 पे आउट हो गए थे, तो शायद वैसे देखो सारी जनता इनको जानती है अच्छे से, लेकिन इस मैच के लिए शायद इनको ड्रॉप कर सकती है, लेकिन हमारी चॉइस एक बार फिर से रहेंगी, मार्टिन गुप्टिल एक बार फिर से हमारी टीम के अंदर रहने वाले हैं। निक मेडिनसन को लास्ट मैच के अंदर हमने ड्रॉप किया था और हमारा निर्णय बिल्कुल सही रहा, एक वो उसकी गेंदबाजी भी उन्होंने करवाई लेकिन कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिया, लेकिन इस मैच के लिए शायद मैं यहाँ से इनको ले सकता हूँ, क्योंकि ये क्लास प्लेयर है और इनको आई थिंक हमें लेके जाना पड़ेगा। फिर भी देख लेते हैं आखिरी के वक्त में क्या होता है। बाकी एरन फिंच इस मैच के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, क्योंकि यार पिच जो है वो पिच टर्न लेगी पिच, और साथ ही में एरन फिंच की बात करूँ तो ये स्पिनर्स को काफ़ी अच्छा खेलते हैं। तो इस पूरी टूर्नामेंट के इस पूरी टीम के अंदर सबसे बेस्ट अगर स्पिनर्स को कोई खेलता है तो यहाँ पर एरन फिंच है, तो इनसे आप लोग उम्मीद कर सकते हो, तो एज अ प्लेयर ऐसे इंपॉर्टेंट रहेगी, तो लेके जाना यहाँ से एरन फिंच को, इवन कैप्टन वाइस कैप्टनशिप का भी रिस्क ले सकते हो। शॉन मार्स लास्ट मैच के अंदर हमारे वाइस कैप्टन थे और एक बार फिर से हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन हो सकते हैं, रिस्क यहाँ पर जॉन वेल्स के ऊपर लेना है, क्योंकि इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छे हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट के अंदर अभी तक कुछ खास किया नहीं, तो रिस्क लेना चाहो तो इनके ऊपर ले सकते हो। बाकी हैंड्स को काफ़ी नीचे खेलते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से, और हमारे पास मिस के सामने वाली टीम से चॉइस है, तो हम लोग यहाँ से इनको ड्रॉप कर सकते हैं। अकील हुसैन लास्ट मैच के अंदर हमारे कैप्टन थे, जहाँ पर वो विकेट लेस गए, और एक बार फिर से भी इस मैच के लिए भी मेरे कैप्टन रह सकते हैं।
स्विट्जरलैंड की बात करो, लास्ट मैच का वीडियो जिसने भी देखा होगा उसको मैंने अच्छे से बताया था कि जब तक रसेल थे तब तक इनका कोई वैल्यू नहीं था, लेकिन रसेल गए तो यार 3 से 4 ओवर्स की गेंदबाजी पूरी करवाएगा। मैंने इनको डिफरेंस में लिया भी था आखिरी के वक्त में जब फाइनल टीम थी, तब मैंने यहाँ से इनको ड्रॉप किया क्योंकि यार उनको लेके जाने में बहुत ज़्यादा खतरा था। तो अभी के लिए हम लोग इनको लेके जाएंगे स्विट्जरलैंड को, क्योंकि ये पूरी ओवर्स करवाएगा, 3 से 4 ओवर्स की गेंदबाजी पूरी करवाएगा। रोजर्स एक अच्छे गेंदबाज है, लास्ट मैच के अंदर विकेट लेस रहे, लेकिन इस मैच के लिए वापस एक बार हमारा इनके ऊपर भरोसा रहेगा। लेकिन इस मैच के लिए केन रिचर्डसन भी रहने वाले हैं, तो यहाँ पर दोनों में से कन्फ्यूजन बहुत सारी है, क्योंकि यहाँ पर मुजीबुर को मैं ड्रॉप नहीं करूँगा क्योंकि जो पिच है वो अच्छे से टर्न ले रही है, और यहाँ पर एक बार फिर से मुजीबुर कमाल दिखा सकते हैं क्योंकि अब देख सकते हो लास्ट मैच के अंदर 3 विकेट निकाला था क्योंकि वो भी टर्न ले रही थी पिच। लास्ट वाली मैच की बात करूँ तो स्टार्टिंग में ऐसे अकील हुसैन और टी रोजर्स स्टार्ट करवा रहे, डेथ ओवर में से टी रोजर्स के साथ केन रिचर्डसन आए थे। बाकी बेंच से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स और अपडेट वगैरह आपको टेलीग्राम में मिलेंगे, तो जल्दी से जाके आपको टेलीग्राम का ज्वाइन कर लेना है क्योंकि अपडेट वगैरह फाइनल टीम वगैरह आपको वहीं पर मिलेगी। बात करें यहाँ पर सिडनी सिक्सर की, जो कि 5 मैच खेली, 3 मैच जीती, 2 मैच हारी है, तो दोनों का ही परफॉर्मेंस ओवरऑल तो सेम है, लेकिन लास्ट मैच में सिक्सर ने बाजी मारी थी तो यहाँ पर उम्मीद इनसे ही रहेगी। जॉस फिलिप यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन से सीधी पिक रहेंगी। कुलतीस पीटरसन एज अ डिफरेंसिव वे में आप लोग बैटिंग सेक्शन से ट्राई कर सकते हो। लास्ट मैच के अंदर हमारे पंट प्लेयर रहे जेम्स विंस, जिन्होंने 26 रन किया था, और एक बार फिर से इनसे उम्मीद रहेगी और एक बार फिर से हम लोग इनके साथ जा सकते हैं। मोजेस हेनरिक को एज अ डिफरेंसिव में ट्राई कर सकते हो क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आज 1-2 ओवर्स की गेंदबाजी करवा सकते हैं, और तो इनको आप लोग डिफरेंसिव में ट्राई कर सकते हो। बात करें ऐसे जॉर्डन सिल्क की, तो प्लेयर अच्छा है लेकिन यहाँ पर इनको मौके थोड़े से मिल भी रहे लेकिन बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे रह रहा है, तो ये आपके लिए डिफरेंसिव में एक अच्छी पिक बन सकता है। लास्ट मैच के अंदर 19 रन किए, इसके पहले 30 किए, यहाँ पर 36-41 से स्कोर करवा रहे, तो इनके ऊपर भरोसा कर सकते हो। बाकी क्रिश्चियन ओके रहेंगी, इनको लेके जाने का लगभग अभी के लिए कोई मतलब नहीं बनता, हालांकि एक आधी ओवर्स करवा रहे। विकेट की बात करो तो एक बार इन्होंने विकेट्स भी निकाली हुए, तो आई थिंक यहाँ से इनको डिफरेंसिव में ट्राई कर सकते हो। हेडन कैर एक बार फिर से हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की चॉइस रहेंगी क्योंकि ये डिफॉल्ट कैप्टन वाइस कैप्टनशिप की चॉइस है, ज़्यादा से जनता इन्हीं को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकती है। बेन द्वासिस लास्ट मैच के अंदर हमारे ट्रंप कार्ड रहे, कुछ 20% जितना भी सिलेक्शन नहीं था, जहाँ पर उन्होंने 4 विकेट निकाल कर हमको पूरा वन साइडेड विनिंग करवाया था, एक बार फिर से भी हम लोग लेके जाएंगे। देखो उनको लेके जाने का मतलब मेरा वही था कि मकसद वही था कि इनका ना हेड टू हेड रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छा है, मेनबॉल रेनेगेड के सामने हमेशा विकेट निकालते हैं, तो इसके लिए एक बार फिर से हम लोग इनके साथ जाएंगे। शेन एबॉट एक बार फिर से हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की चॉइस बनेंगे, या से जैक्सन बर्ड मुर्फी दोनों प्लेयर अच्छे, दोनों में से किसी एक को ले सकते हो, खास तौर पर यहाँ पर जैक्सन बर्ड को लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पर देखो बॉलर्स के ऊपर फोकस जो थोड़ा सा ज़्यादा है, स्टार्टिंग ओवर्स में बेन द्वासिस के साथ जैक्सन बर्ड और डेथ ओवर्स में ऐसे शेन एबॉट और हेडन केर डेथ में आए थे। बेंच में से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स और अपडेट वगैरह आपको टेलीग्राम में मिलेंगे, तो जल्दी से जाके आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना रहेगा। अभी के लिए देख लेते हैं हमारी फैंटेसी टीम कौन से दे सकते हैं, कौन से प्लेयर को लेकर जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं। तो बात करें यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन की, तो जोशुआ हमारी टीम के अंदर रहेंगे। बाकी बैटिंग सेक्शन की बात करूँ तो मैंने यहाँ पर एरन फिंच, शॉन मार्श और मार्टिन गुप्टिल को लिया है। यहाँ पर आप लोग जेम्स विंस है और सिल्क है, इन दोनों प्लेयर में से किसी एक को ट्राई कर सकते हो। वेल्स भी अच्छे हैं, हेड टू हेड रिकॉर्ड भी अच्छे हैं, तो इनके ऊपर रिस्क ले सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ पर सीन एबॉट, हेडन केयर और विल सुधरन हमारी टीम के अंदर रहेंगे क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पर अभी 3-4 ओवर्स करवा सकते हैं। रिस्क आपको यहाँ पर निक मेडिसन के ऊपर लेना है क्योंकि ये बंदा कभी भी ऐसे कुछ उलट पुलट कर सकता है, बॉलिंग वगैरह भी करवा सकता है क्योंकि पिच अच्छे से टर्न ले रही है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड ऑटो गेंदबाज है और यहाँ पर 1-2 ओवर्स की गेंदबाजी इनसे करवाई जा सकती है। बैलिंग सेक्शन की बात करूँ तो केन रिचर्डसन, अकील हुसैन, मुजीबुर और यहाँ पर बेन द्वासिस हमारी टीम के अंदर रहेंगे। यहाँ पर आप लोग रोजर्स या बर्ड दोनों में से किसी एक को ट्राई कर सकते हो। टीम की बात करूँ तो टीम कुछ इस तरह से रहेगी कि कैप्टन हमारे रहेंगे हेडन केयर, और वाइस कैप्टन की बात करूँ तो यहाँ से अकील हुसैन हमारे वाइस कैप्टन रहने वाले हैं। अदरवाइज अदर ऑप्शंस की बात करूँ तो यहाँ से सीन एबॉट है, इन दोनों में से किसी एक को करना है, द्वासिस या रिचर्डसन दोनों में से किसी एक को कर सकते हो, या फिर जोशुआ फिलिप तो है ही। बाकी टीम कुछ इस तरह से रहेगी, याद रहे कि जो टीम है डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलने वाली है फाइनल लाइनअप के बाद, तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इनकेस अगर लिंक वर्क नहीं करता तो टेलीग्राम में जाना है, सर्च करना है फैंटेसी डिसेंट चैलेंजर, या फिर आप सर्च करोगे @FDC27
और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा, सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको वहीं पर मिलने वाली है। या अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों में, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे आने वाले और अच्छे मैचेस के वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, टेलीग्राम से जुड़ जाना है, बाकी आपको करना क्या है, आपको अच्छे से वीडियो को देखना है। देखो भाई, सारे प्लेयर्स के बारे में मैंने अच्छे से बताया हुआ है, तो आप अच्छे से स्टडी करो और कौन सा प्लेयर चल सकता है उसको थोड़ा सा समझो और अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस वगैरह करते रहो, बाकी अच्छी खासी विनिंग करते रहो। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।